Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. वाह, क्या बात है भाजी, दो इंजेक्शन पे एंट्री। अरे मैं सोच रहा था शुरुआत में ये आए दो मोटरसाइकिलों में बैठ के, दो गाड़ियों में बैठ के, दो घोड़े में बैठ के। मैं सोच रहा था, मुझे डर लग रहा था, मैं कहा किस बार कहीं दो फाइटर प्लेन पे बैठ के ना आ जाएंगे, शुम करके निकल गए सर। ये दो इंजेक्शन पे, ये वाला मतलब बड़ा अच्छा लगा, आई लव दैट। क्या करे कपिल, दुनिया इंजेक्शनों पे ही चल रही है आजकल एक्चुअली, लेकिन जरूरी भी है। तुम लिया कि नहीं? हाँ हाँ, मैंने तो ले लिया और मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे देशवासी जो हैं वो जल्द से जल्द दोनों वैक्सीनेशन ले और हमारे शो पे आए। हमारे शो पे आए? हाँ, मतलब कितना मतलब ही है? आपका भी शो है कोई? नहीं, लेकिन बाकी लोगों के भी काम है ना। हाँ, मतलब अपनी पड़ी है। ऐसे बोल के काम दुनिया वैक्सीन ले ले और सबके अपने अपने काम शुरू हो जाए। अच्छा, वैसे नहीं, मैं तो आपके डायलॉग के हिसाब से बोल दिया था कि मेरी जरूरतें कम है क्योंकि मेरी जमीर में दम, हमारे तो है नहीं। मैंने उस हिसाब से बोला था, वो डायलॉग बहुत साल पहले था। जरूरतें बढ़ गई हैं, सबकी बढ़ गई हैं। पाजी बहुत बहुत धन्यवाद, पहले एपिसोड में आके हमारी इतनी ग्रैंड बोहनी करवा दी आपने, थैंक यू पाजी, शुक्रिया। पिछला भी एक शो था ना जिसकी बोहनी मैंने की थी। पिछली बार तो जो बंद कर दिया था तुमने। फैमिली टाइम? हाँ। वो टाइम से पहले के शो आ गया था एक्चुअली, फैमिली मेरी तभी थी नहीं। अच्छा। वो क्रिएटिवली गलत हो गया तो मैं शो बंद करके फैमिली बनाने गया था। उससे पहले भी एक फैमिली बंद की थी तूने, आई मीन शो बंद किया था, सॉरी। नहीं नहीं, वो मतलब अभी क्या है, मतलब जो आएगा वो एक ना एक दिन जाएगा, तो सीजन आते जाते रहते हैं। पर देखो मतलब आप, लेकिन तेरा शो जनवरी में बंद हुआ था ना? ये सीजन जन में बंद हुआ था और फरवरी में बच्चा हो गया, फैमिली हो गई। वो मेरे इंजरी हुई थी ना जन में, तो कमर की जी। हाँ, तो फिर हुआ कैसे बच्चा? ये क्या बात है भाजी, आप प्रोड्यूसर आदमी हो, प्री प्रोडक्शन नाम की कोई चीज होती है? फैब में तो प्रोडक्ट रिलीज हुआ ना, शूटिंग तो चली रही थी 9 महीने। ओ, पर एक बार जोरदार तालियां आ जाए पाजी के लिए। पाजी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। अच्छा, कितनी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो कितनी इंस्पिरेशनल होती हैं, और हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, हमारे ऐसे ऐसे जाबाज, हमारे जो सिपाही हुए जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, और कई बार हमें सिर्फ फिल्मों से देख के पता चलता है। बिल्कुल। स्पेशली हमारी जो यंग जनरेशन है उनको शायद ये पहली बार पता चला होगा कि ऐसा भी कभी हुआ था। भुज में ऐसा हुआ था कि जब दुश्मन देश ने हमला किया और उस समय हमारा एयरबेस के ऊपर हमला हुआ, रनवे पूरा तितर बितर हो गया, टूट गया। ये फिल्म जो है उसी के ऊपर है। और कैसे? एक्चुअली बात सही है, पहले लोगों को जब टाइटल बताते थे कि भुज पे फिल्म बन रही है, भुज टाइटल है फिल्म का, तो उनका कनेक्शन सीधा वो अर्थक्वेक पे था। अर्थक्वेक पे, जहाँ को पता ही नहीं था कि पहले क्या हो चुका भुज। राइट। तो ये पाजी आपको श्रेय जाता है, आप इतनी खूबसूरत और इंस्पिरेशनल स्टोरी के ऊपर फिल्म लेके आए हैं। इस फिल्म में अजय सर 300 औरतों के साथ मिलकर 3 दिन में रनवे बना देते हैं। वाओ, क्या कितनी खूबसूरत स्टोरी है। तो भाजी 3 दिन में 300 औरतों के साथ रनवे बना दिया, तो मंत्री जी का फोन नहीं आया कि हाईवे बनाने का ठेका भी आप ले लो? मैंने तो फोन नहीं किया, लेकिन तू ट्वीट कर दे, तेरे को तो बड़े बड़े लोगों को ट्वीट करने का शौक है ना। एक बार आप करके देखो, फिर आपको पता चलेगा मैंने क्यों बंद कर दिया। अच्छा, लोग मजाक मजाक में कहते हैं ना कि 4 लेडीज मिलके बैठ जाएं तो काम नहीं होता, गॉसिप करती हैं। लेकिन इस फिल्म में 300 लेडीज मिलके 3 दिन में इतिहास बना देती हैं, एयरबेस रनवे बना देती हैं। ये है असली नारी शक्ति। 300 औरतों ने 3 दिन में रनवे बनाया। मैं तो एक ऐसी औरत को जानता हूं जिसने अकेली ने बंगला बना लिया और उसके बाद सड़क भी अंदर ले ली, तो कुर्सी डाल के बैठते हैं, टोल दोगे तो निकलने दूंगी, ऐसे मैंने सुना है। आपने सुना है लेडी के बारे में? आपने सुना? मैंने भी नहीं सुना, पर हाँ, कौन है? अरे, आपके अपने मुंह से अपनी बायोपिक अच्छी भी नहीं लगती। और अब वक्त है उनको मंच पे बुलाने का जिनके चक्कर में मैंने अजय पाजी के अगले 4 सवाल काट दिए हैं। ये वो है जिनके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बच्चों में डोरा और जवानों में नोरा, ये बहुत फेमस है। So please welcome very beautiful actress Nora Fatehi.
हम जब आए थे गाना गाया कोई? भाई साहब आप डिटॉक्स कराओ, जलसी दिख रही है आपके। दो लाइनें ही नहीं गाने दी आपने। नोरा के लिए जोरदार तालियां। किसी दिन बिना अजय देवगन के आना, ठीक है? नोरा के लिए जोरदार तालियां। नोरा आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सर। मैंने एक चीज देखी नोरा, आप बहुत सारे टीवी शोज में भी जाती रहती हैं। हाँ। बहुत सारे शोज में आपको स्पेशल जज बुलाते हैं। हाँ। मैं तो कहता हूँ एक दिन खुल के हंस दो, एक कुर्सी तो यहाँ पे भी खाली करवा लेंगे। यू नो ना नोरा, यू आर फ्रॉम कनाडा, आई एम फ्रॉम पंजाब, एंड यू नो हाउ पंजाबी लव्स कनाडा सो मच। टूट के पड़ते हैं हम कनाडा को। अच्छा आप क्यों टूट के पड़ रहा है? हाँ। रुक जा, सबर कर। नहीं? अब शादीशुदा हो ना। दो बच्चों का बाप। क्या? दो बच्चों का। हाँ दो। क्या नोरा? क्या बात है, शर्म नहीं आती तुझे? जिनके साथ हीरोइन आई उनके भी दो ही बच्चे हैं। और देख के नहीं लग रहा तीसरा भी होने वाला है। दुनिया दी ठा ठा ठा। आई मीन अच्छा, हमने आज तक नोरा को हमेशा ग्लैमरस रोल्स में देखा है, पहली बार नोरा जो जासूस का रोल कर रही है, तो ये आपने अपने लिए रोल सिलेक्ट किया था कि अजय पाजी को लगा कि मेरा तो कोई लव एंगल है नहीं, जासूस तो अच्छे लाओ, ऐसा? ऐसा ही कुछ है। ऐसा थोड़ी ना होता है। हो जाता है हमारे यहाँ पे, हो जाता है। ऐसी स्पाई हो ना तो सामने वाला खुद ही सारे राज बता दे, मैडम जी दुश्मन मां से हमला करने वाला है, आओ हम इधर चलते हैं। नोरा आपने कभी पहले बॉलीवुड फिल्म्स देखी हैं, जो पहले जासूस कैसे होते थे? कैसे होते पहले थे? जासूस होते थे विलन के घर के बाहर ना, तरबूज की रेडी लगा के बाहर आदमी बैठ जाता, तरबूज काट के बीच में वायरलेस रख देता था। विलन बाहर निकला, साहब निकल गया। या दूसरा एक भिखारी बन के बैठा रहता था ना, दुश्मन निकल गया। अब देखो 2021 के जासूस देखो, कौन कहता है देश तरक्की नहीं कर रहा है? देखो आप। वाह, मैं कहती हूँ कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। वो क्या होता है? सब डिस्क्रिमिनेट मतलब हिंदी में डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? मतलब आपको सेपरेशन नहीं करना है कि सब लोग को देश के लिए लड़ना है, खूबसूरत लोग या जो खूबसूरत नहीं है, जो लंबा छोटा मोटा पतली जो भी है। आप जवाब दे रही है कि डिस्क्रिप्शन दे रही है? आप भी, आपको भी देश के लिए लड़ना है। पहले हमारी अपनी लड़ाइयां तो खत्म हो जाए। मैं खुद बीवी लड़के मुझे भेजा है शूटिंग पे। अच्छा? हाँ, कहती नूरा आ रही, नूरा आ रही, आज बड़ा टाइम पे जा रहे हो। मैं जेलस, शी इज वेरी जेलस। थोड़ी देर में आ रही है वैसे, गिननी है। ये हटा देना लाइन ये वाली। एनीवे, बहुत बहुत स्वागत है नूरा, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अजय पाजी बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। ओए हाँ जी, नूरा ये तो गाना गाया, इसने इतना अच्छा गाना गाया। हाँ जी, तूने आगे से गाना नहीं गाया, बस जोरदार तालियां। नहीं नहीं, मैं गा रहा था पाजी, बगल में गाना, आपका ध्यान एमी पाजी की तरफ था, मैं गाना गा रहा था। पाजी इधर आ जाओ, बोलो। ब्यूटी रुक रही है नोरा की, अगर उसका चेहरा छुप गया हमारी टीआरपी कम हो जानी है। अच्छा एमी पाजी पंजाब के सुपरस्टार है, इनके गाने बिलियंस व्यू हो चुके हैं, और उसके बाद आज देखो सीधा कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिल गया। क्या व्हाट अ लकी मैन। और इनके तो गानों को बिलियन व्यू भी नहीं मिले, फिर भी हमारे शो में आए। वाह, व्हाट अ लकी मैन। पर हमारे देश में इतना टैलेंट है, शरद भाई या अम्मी पाजी पहली बार हमारे शो पे आए, लेकिन ये वैसे इतना काम कर रहे हैं, फिल्में शरद भाई कर रहे हैं, वेब सीरीज ये कर रहे हैं, बाहुबली में आवाज़ ये दे रहे हैं, आप सच्ची में इतने टैलेंटेड हो कि आपके पास किसी कास्टिंग डायरेक्टर का वीडियो बना के रखा है? मम्मी कहती है बेटा तूने 30 फिल्में कर ली हैं, कहीं दिखा नहीं तू, जब तक तू इस शो में नहीं आएगा तब तक पिक्चर की है। पर बड़ा मजेदार ट्रेलर पाजी, बड़े बड़े कमाल के लग रहे हैं सब एक्टर। शरद भाई और एमी पाजी के लिए जोरदार तालियां, आइए प्लीज। अब आ जाओ बैठो एमी पाजी, अंदर से खुश हो गए। नोरा, हाँ जी, दिस इज फॉर यू ओनली। ओह वाओ, और किसी को मत देना, तुसी केले खाओ पाजी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.